भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मेहतारी ब्यूटी सोप। वो क्या दिन थे जब जून के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ने पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी सैलानियों से फुल पैक जाती थी। बाहरी राज्यों से आए सैलानियों को कई बार अपनी गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ती थी। डलहौजी का बस स्टैंड, गांधी चौक, सुभाष चौक, माल रोड सैलानियों की भीड़ से लवरेज रहता था। डलहौजी की बैठ चका चौंध सैलानियों को बार बार डलहौजी आने के लिए उकसाती थी, पर आज स्थिति कुछ और ही है। लगातार दूसरे साल डलहौजी का पर्यटन सीजन कोरोना महामारी की बेंच चढ़ गया। आज तो वह आलम है कि डलहौजी की हर गली जो सैलानियों से भरी रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। बात करें छोटे व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, चाय वाले, ढाबे वाले, होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर आदि कोरोना की मार से नहीं बच पाए। अब तो डलहौजी का हर व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिले तथा वही पुराने मस्ती भरे दिन लौट आए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए डलहौजी से मुकेश कुमार गोल्डी की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।